नमस्कार दोस्तों, मैं सरवन राम उगिनिया आज आपको एकुपंचर के बारे में बताएंगे। एकुपंचर कैसे होती, कैसे नहीं होती, ये एकुपंचर के डायोग्राम है। इस तरीके से एकुपंचर के डायोग्राम लेते हैं। आज आपको पूरा एकुपंचर का पूरा वीडियो बताएंगे। और ये आज एकुपंचर घुटनों के दर्द में एकुपंचर करके बताएंगे आपको किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती। ये हमने स्टार्ट कर दिया एकुपंचर करना। पहले स्प्रेड से साफ कर लेने का। ये देखिए, हमने अभी नीडल लगाना चालू कर दिया। ये नीडल आराम से लगाना चाहिए ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। एक नीडल लगा दिया, ये दूसरी भी अभी लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके, ये दूसरी भी लग गई, अभी तीसरी लगा रहे हैं, तीसरी भी लग गई। ये चौथी नीडल लगा रहे हैं हम, ये चौथी नीडल भी लगा दी। और अभी एकुपंचर मशीन की सहायता से इनको एकुपंचर करेंगे। ये देखते रहिए। मशीन का प्रेशर उतना ही रहना चाहिए ताकि पेशेंट उसको सहन कर सके, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए ताकि पेशेंट को अच्छे से अच्छा लगे और आराम से धीरे धीरे चलने चाहिए। इसको एक टाइम कम से कम 30 से 35 मिनट देने का, फिर दोबारा वापस दे देने का। ये इस तरीके से वापस निकाली जाती है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये निकाली, वापस निकाल के और इसको स्प्राइट से साफ करने का। थैंक यू दोस्तों।